लेकर जाऊं आज अगले हफ्ते चमकता हुआ जो नजर आए? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रही है, एंड राइटली सो। आज यूएस में एक जॉब्स डेटा है और वो डिसाइड करेगा बॉन्ड यील्ड का ट्रेंड। और हमने देखा है आज बैंक्स हैव बीन मोर वीक, और ये मेरी सुबह ही टिप्पणी थी कि बुक प्रॉफिट इन बैंक्स सुबह 9:45 पे, बिकॉज आई वॉज श्योर दी आरबीआई पॉलिसी विल बी लैकलस्टर। इनफैक्ट जो उन्होंने किया है, इट्स जस्ट फॉर नेम। आपने जो रियल इन्फ्यूजन करनी थी एट अ टाइम लाइक दिस, यू शुड गिव मनी इन द हैंड्स ऑफ द रेजिडेंट, वो उनको पैसे। तो एनीवे, वी विल नॉट कमेंट, बट आई थिंक द मार्केट कैन बी लिटिल बिट, एंड पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स, बिकॉज द फ्रेंचाइज ऑफ मिड कैप्स इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। तो एट दिस टाइम आई वुड लाइक टू अपडेट, मैंने दो दिन पहले आपको पीएल कहा था 1825-30 में, 1935 से 1950 का टारगेट, आज वो 1930 बिक गया। उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मोर देन 5% रिटर्न। अब आप कहें तो मैं आज के लिए दो शेयर कहूं, दोनों मिड कैप हैं और दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सर बताएं प्लीज। तो देखिए, मैंने आरबीएल आपको 185-95 दोस्त, अभी भी मैं सोचता हूँ आरबीएल में जो ये है, बिकॉज हमारी मैनेजमेंट से बात किया, दे आर एक्सट्रीमली बुलिश। मैंने दिस ओनली मैनेजमेंट जो कह रहा है क्रेडिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी सुपर सीडिंग, प्लस देयर फ्रेंचाइज इज गेटिंग द बेस्ट टाइप ऑफ लायबिलिटी फ्रेंचाइज, उनकी ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट इज वेरी स्ट्रांग। एट अ टाइम जब यील्ड्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट और स्टॉक ट्रेड्स एट लेस देन 1x प्राइस टू बुक, मैं अभी भी रिइटरेट करता हूँ, नियर टर्म टारगेट 245-250, स्लाइटली लॉन्गर टर्म 275, बट दिस इज गोइंग टू 300+ बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। दैट इज माई कॉन्फिडेंस इन आरबीएल बैंक। दी अदर बैंक इज, मैं दो दिन से दिल्ली जा रहा हूँ सर, और वो ही दिल्ली में तो वापिस ट्रैफिक प्री कोविड डेज में है, और जितनी लाइन लग रही है वो लग रही है सीएनजी के लिए। तो इंद्रप्रस्थ गैस लीजिए, मंडे को बहुत जोर से रीओपनिंग होगी इन लॉट ऑफ सेक्टर्स। इंद्रप्रस्थ गैस विल गेन बोथ ऑन वॉल्यूम एंड ऑन प्राइस। तो मुझे लगता है आईजीएल इज अ बाय, 520 से 22 में लीजिए, 512 का स्टॉप लॉस है, दिस इज हेडेड टू 550-565। अरे वाह, दो